हमारे अगले वक्ता हैं डॉक्टर सुरेश त्रेतिया जी, जो राजकोट से हैं, जो पिछले 20 साल से ज्योतिष से जुड़े हुए हैं। सुरेश जी का लाभ में भी बहुत अच्छी तरह से पकड़ बनाई है। इन्होंने मकान कुंडली की बहुत अच्छी जानकारी हासिल की है। लाल किताब की वास्तु में बहुत अच्छे से वो आजमाते हैं, जानकारी देते हैं। मैं डॉक्टर सुरेश जी को विनती करती हूँ, पहले तो उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे इस वेबिनार में आपका स्वागत है डॉक्टर सुरेश जी, और हमें आप वास्तु, लाल किताब वास्तु के बारे में लाभान्वित कीजिए, मैं आपको विनती करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल अभी आप खुद को अनम्यूट कीजिए। हाँ सभी को नमस्कार, और हाँ नमस्कार जी दीपक जी, सभी को मेरा वंदन प्रणाम। आज नमस्कार है, बहुत ही अच्छा ग्रंथ। मैं इसको लाल किताब न कहते हुए इसको लाल किताब महान ग्रंथ बोलता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी उपलब्धि है लाल किताब। मैंने काफी सालों से अभ्यास किया है, और इसका वास्तु में भी खास मैंने बहुत ही उपयोग किया है। बहुत ही डीप में मैंने लाल किताब के निकला है। सबसे पहले तो पुण्यतिथि से मुझे मेरे वास्तु के करने से उसको अच्छा बेनिफिट मिला, तो मुझे बहुत ही अच्छा गिफ्ट मिला है पंडित जी की पुण्यतिथि पे। तो आज पंडित जी की जन्मतिथि है, तो आप सब लोग, जितने लोग जुड़े हैं, 77 मेंबर, तो उसको जैसे आगे एक बहन ने बुध का भेद निकाला है, तो बुध का भेद निकालने का कैलकुलेशन एक एक्सेल शीट में मैंने बनाया है, तो आप लोगों को फ्री में दूंगा। उसके अलावा मैंने मकान की हैसियत निकालने के लिए सीख फॉर्मूला बनाया है। आप मकान की लंबाई चौड़ाई डाल सीख दोगे तो पूरा कैलकुलेशन आ जाएगा। आपको गुणाकार भागाकार करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाएगा। मैं जो भी होस्ट है उसको रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे स्किल थोड़ा लाउडली बात करेंगे आप सर प्लीज, थोड़ा हाँ जी स्क्रीन दिख रही है। ओके आवाज कम आ रहा है। ओके अभी हाँ आवाज थोड़ी कम आ रही है सर, थोड़ा लाउडली बात कीजिए। हाँ ओके ओके अभी आ रही है। हेलो, अभी आ रही है सुखे जी। तो लाल किताब के बारे में सभी लोगों ने बहुत अच्छा बोला, मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो मैं थोड़ा वास्तु पे दो चार चीज बताऊंगा, क्षमा करना यदि ज्यादा टाइम हो जाए तो मुझे अलर्ट कर देना, ऐसे ज्यादा टाइम लूंगा नहीं। मैं छोटी छोटी बातें और काम की बातें बता के सुखेश जी, मुझे पता है आपकी किस विषय के ऊपर पकड़ है, आप आराम से अपना समय लीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो हम जब भी हमारी लग्न कुंडली देखते हैं, तो लग्न कुंडली में खा नंबर एक है, वो पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करता है, खा नंबर दो नॉर्थ वेस्ट को, खा नंबर तीन दक्षिण दिशा, खा नंबर चार नॉर्थ ईस्ट, खा नंबर पांच पूरब का हिस्सा, पूरब की दीवार, खा नंबर छह नॉर्थ दिशा, नॉर्थ वॉल, खा नंबर सात साउथ वेस्ट, खा नंबर आठ साउथ वॉल, खा नंबर नौ ब्रह्म स्थान, खा नंबर 10 पश्चिम दिशा, खा नंबर 11 पश्चिम दीवार, और खा नंबर 12 साउथ ईस्ट। मैं ये क्यों बताया, देखो किसी की कुंडली में खा नंबर एक में शनि बैठा हुआ है, और शनि का शुभ फल नहीं मिल रहा है,
तो हम लाल किताब के अकॉर्डिंग उपाय कर देते हैं, जैसे कि सुरमे की दली, घास वाली जमीन में दबाव, बहुत सारे उपाय है। लेकिन मेरा अनुभव रहा है कि यदि शनि के उपाय करने के साथ साथ यदि खा नंबर जो एक है यानी कि पूर्व का हिस्सा है वहां पे यदि शनि की चीज पड़ी हुई है तो हम लाल किताब के अकॉर्डिंग शनि का उपाय तो कर लेंगे, सुरमे की दली दबा देंगे, लेकिन कभी कभी हमें पूर्ण फल नहीं मिलता है तो हमें हमारे घर में यानी कि मकान कुंडली में जाना पड़ेगा और हमारी मकान कुंडली में खान नंबर एक यानी कि ईस्ट का भाग जो पूर्व दिशा है वो है, यहाँ पे शनि के कोई भी चीज पड़ी हुई है तो वहां से भी हमें रिमूव करनी पड़ेगी। समझ लो कि यहाँ पे विंडो है, विंडो के ऊपर कर्टन लगे हुए हैं और शनि का जो चिन्ह है वो खंजर टाइप का है, मैं आगे बताऊंगा, और शनि का जो कलर है वो काला कलर है। तो यहाँ पे पूरब की दीवार है, पूरब के हिस्से में खिड़की हो या द्वार हो तो वहां पे यदि ब्लैक कलर के कर्टन लगाए हैं तो रिमूव करना पड़ेगा। ब्लैक कर्टन शनि को रिप्रेजेंट करता है, या तो शनि का कोई चिन्ह है, ऐसी कोई डिजाइन बनी हुई है तो यहाँ से रिमूव कर दो तो हमें खान नंबर एक में शनि का जो पूरा प्रभाव मिल रहा है लाल किताब के अकॉर्डिंग उपाय करते हैं, साथ साथ भी हम यदि हमारी मकान कुंडली में यानी कि हमारे घर में पूरब के हिस्से में शनि की चीज हटा देंगे तो हमें शनि का पूर्ण फल मिलेगा। आगे बात करते हैं खान नंबर आठ में राहु है, खान नंबर आठ है हमारी दक्षिण की दिशा, दक्षिण गोल, तो बोल देते हैं भाई आठ नारियल जल प्रवाह करो या लीड जल प्रवाह करो, ठीक है यहाँ तक कर दिया। लेकिन कभी कभी खान नंबर आठ यानी कि पूर्व दिशा में साउथ दिशा में साउथ वॉल में टॉयलेट है या राहु की चीज है, राहु की चीज का मैंने लिस्ट बनाया है यहाँ पे जो नॉर्मल जरूरी है, तो राहु का कलर है नीला कलर, ससुराल, खोटे सिक्के। यदि यहाँ पे साउथ की वॉल में यानी कि लग्न अष्टम भाव में राहु है और खोटे सिक्के भी आपके साउथ वॉल में पड़े हैं तो वहां पे राहु का प्रभाव दिखाएगा। गौमेद, जौ, नाड़ियर, कच्चा कोयला, हाथी, बंद इलेक्ट्रॉनिक सामान, घड़ी, लीड, बियर, या तो आपके यहाँ सफाई कर्मचारी आता है और ये जगह पर बैठता है, टॉयलेट हो, बिल्ली या बिल्ली की जहर, कभी कभी कोई घर में धूप करते हैं और धूप करने के बाद वो जगह पे साउथ में रख देंगे और धुआं धुआं हो जाएगा तो भी यहाँ पे राहु का प्रभाव दिखाएगा। एल्यूमिनियम, जंग लगा हुआ लोहा, बारिश के भीगी लकड़ी, हाथी दांत की कोई चीज, या तो हमारा यहाँ रूम है और रूम में खूंटी लगी हुई या पतलून या पैजामा लगाते हैं, छत या गंदी नाली है, कांटेदार घास है, ये सारी चीज है वो राहु के अकॉर्डिंग जो नॉर्मल तौर पे हमें घर में मिलती है वो मैंने यहाँ पे लिया है। अभी शनि की निशानी बताता हूं मैं, चिन्ह ये लाल किताब का ही है, जैसे मैंने बताया कि पूरब में शनि है तो खराब फल दे रहा है, यानी कि खाना नंबर एक में शनि का खराब फल मिल रहा हो तो शनि का उपाय कर दिया। लेकिन पूरब के हिस्से में इस तरह का चेक्स वाला या त्रिशूल या खंजर टाइप का या एथिस का या उल्टा और काला कलर ये सारी चीजें है तो वहां से रिमूव करनी पड़ेगी। हमने अष्टम राहु की बात की, तो अष्टम राहु है उसकी जो निशानी है चेक्स, यदि यहाँ पे कर्टन लगा हुआ है और यहाँ पे जैसे चेक्स चेक्स है, जैसे चेक्स दिखता है रुमाल में इस तरह का चेक्स है तो कर्टन लगा हुआ है
तो अष्टम राहु का हम लेट जल प्रवाह कर देंगे, लेकिन मकान कुंडली में यानी कि हमारे मकान में राहु की चीज पड़ी हुई है तो हमें पूर्ण प्रभाव नहीं मिलेगा। पूर्ण प्रभाव लेने के लिए हमें कार नंबर 8 के उपाय, राहु के उपाय के साथ साथ दक्षिण वल से राहु की चीजें हटानी पड़ेगी। हटाएंगे तो हमें पूर्ण प्रभाव का लाभ मिल सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे हर ग्रहों के लाल किताब में मकान बताए हैं, सूर्य का मकान, शनि का मकान। आपने देखा होगा कि कोई मकान में, समझ लो कि मेरी बात करूं तो मेरे पिताजी 0 से लाखों करोड़ों तक चले गए, और वही मकान में वही फर्नीचर है, वही जगह पे वही सारी चीज पड़ी हुई है, लेकिन जैसे मैंने मेरी जिम्मेवारी संभाली और मैं लाखों में से 0 में आ गया। एक ही वास्तु है, एक ही घर है, उसमें जो भी चीज वहां पड़ी है सारी सारी मैंने वहां रखी है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ये लाल किताब में जवाब मिलता है। जैसे भी ये शनि का मकान है, ऐसे हर ग्रह का मकान अलग अलग बताया है, तो समझ लो कि मैं, मेरे पिताजी का शनि अच्छा होगा और वो शनि के मकान में रहने आ गए, तो उसको दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होने शुरू हो गई। लेकिन मेरी कुंडली में शनि खराब है, मैं सूर्य प्रधान हूं, तो मैं जैसे यहां पे रहने आऊंगा शनि के मकान में, तो शनि का मकान मुझे नहीं फलेगा। अभी शनि का मकान कैसे होता है मैं बताता हूं। शनि का मकान होगा पश्चिम मुखी होगा। शनि के मकान के अंदर चले जाओगे तो लेफ्ट साइड में कहीं आधा पत्थर, आधा अंदर आधा बाहर ऐसा पत्थर मिलेगा। शनि के मकान में दहलीज होगी, हो सकता है पुरानी लकड़ी की दहलीज होगी, शीशम कीकर बेरी आदि की होगी। जैसे हम अंदर एंटर करेंगे तो जैसे यहाँ पे पिलर दिया हुआ है, स्तंभ मिलेगा। शनि के मकान में सबसे बढ़िया निशानी होगी, जैसे आप अंदर जाओगे तो राइट साइड में एक अंधेरी कोठरी स्टोर रूम जरूर होगा, जिसमें सूर्य की रोशनी बिल्कुल नहीं आती होगी। तो इस तरह का जो मकान होगा वो शनि का मकान कहलाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे स्टोरेज है, और जिस दिन यहाँ पे रोशनी का प्रबंध होगा, यानी कि कहीं छोटी सी खिड़की खोल दी, सुराग कर दिया, तो यहाँ पे सूर्य और शनि की टक्कर हो जाएगी। और सूर्य और शनि की टक्कर होती है तो आप लोग सब लोग जानकार हो, यहाँ पे राहु केतु पीटे जाते और राहु केतु मिलके बनते हैं शुक्र, तो यहाँ पे शुक्र खराब होगा। यानी कि जब भी यहाँ पे सूर्य की रोशनी आना शुरू कर देगी तो सूर्य शनि के झगड़े में पत्नी की सेहत खराब होगी, पत्नी बीमार होगी। कभी कभी ऐसे मकान में डाइवोर्स होने की संभावना भी बढ़ जाती है, पत्नी मायके भी चले जाए, तो इस तरह से घटना हो सकती है। अभी मैं आगे नहीं बताते हुए आपको मकान की दिख रही है ना स्किन, तो ये भूत का भेद जो मैडम ने बताया, इसमें जैसे भी आप खाना भर दोगे तो जैसे कार नंबर सूर्य है तो कार नंबर 4 में है, चंद्रमा है 2 में है, शुक्र है 1 में है, जैसे आप खाना नंबर डाल दोगे तो कैलकुलेशन होके आ जाएगा। मैं ऐसे ही भर रहा हूँ, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पे करोगे तो ये 0 आ गया, तो आपका जो टोटल आया ये टोटल आ जाएगा, उसको 9 से डिवाइड करेंगे और 0 आ गया। समझ लो कि यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ तो यहाँ पे 8 नंबर आ गया। तो 8 नंबर का पावर किसके पास है, चंद्रमा के पास। तो
आपकी कुंडली में यानी कि जिसका ये कैलकुलेशन आएगा उसका बुध चंद्र का रूप ले लिया है, यानी कि चंद्र की गोली यहाँ पे चांदी की गोली बनानी पड़ेगी और चांदी के गोले के ऊपर लाल रंग करके रखना है। ये आप सीट आप लोगों को यदि ग्रुप का कोई लिंक है तो मुझे भेज देना या पर्सनल में आप बोलोगे तो मैं भेज दूंगा। उसके अलावा दूसरी सीट बनाई है मैंने मकान की हैसियत की, तो यहाँ पे आप सब लोग जानते होंगे इसमें जैसे आपकी मकान की जैसे यहाँ पे मैंने डाला हुआ है 15 फुट 4 इंच 15 फुट 4 इंच 8 फुट 2 इंच हो सकता है या 15 की जगह 16 हो 14 हो, तो यहाँ पे जैसे 15 डाल दिया 15 फुट 4 इंच 15 फुट 4 इंच 8 फुट 2 इंच 8 फुट 2 इंच और हमारे जो माप होता है हमारा एल्बो से मिडल फिंगर का यहाँ तक का किसी का 18 हो सकता है किसी का 19 है, जैसे आप 19 डालोगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन चेंज हो, तो सारा कैलकुलेशन करके आप तो दे देगा। यहाँ पे 1, 3, 5 और 7 आता है तो बढ़िया माना गया है, 2, 4, 6, 8 8 तो आएगा नहीं, 8 यानी कि 0 तो यहाँ पे बता देगा। जैसे यहाँ पे 4 आया तो बेड ये आपके लिए मकान सूटेबल नहीं है, आपके लिए मकान योग्य नहीं है, लेकिन नहीं है तो क्या छोड़ देंगे, लेकिन पंडित जी ने सारी जगह पे बहुत ही अच्छे उपाय दिए हुए, तो यहाँ पे उपाय 4 बजता है तो केतु का उपाय करें, 7 सांप को दूध पिलाए, सांपों को कभी ना मारे। तो इस तरह से ये मैंने सीट बनाई है, आप लोगों को चाहिए तो मेरा संपर्क करके ले सकते हैं। आज के दिन मेरे तरफ से सभी ग्रुप मेंबरों को फ्री में है बुध का वेद की सीट और मकान की हैसियत निकालने की सीट, ठीक है। और यदि कोई ग्रुप है तो ग्रुप में बोल देना, मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं मेरा वक्तव्य समापन करता हूँ, ज्यादा नहीं बोलते हो क्योंकि और लोग भी लाइन में खड़े हैं, तो मुझे वक्तव्य दिया उसके लिए सभी का धन्यवाद शुक्रिया। धन्यवाद सुकेश जी, बहुत अच्छे से बोला आपने, थैंक यू बहुत बहुत। और मकान कुंडली ये थोड़ा अलग सब्जेक्ट था, आपने जिस चीज के लिए मैंने आपको लाया था उसका मतलब ये था कि मकान कुंडली के ऊपर जो ग्रिप आपकी है वो शायद ही किसी लाल किताबी की ग्रिप है, बहुत मेहनत की, इसलिए आपका बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है। मुझे पता है और मैं जब भी दुनिया को बताता हूँ तो सच्चाई बताता हूँ। और आप यकीन नहीं करोगे पंडित जी की पुण्यतिथि पे बहुत बड़ा फ्रिज 21,500 का वर्लपूल का फ्रिज मेरे घर पे ग्रिप में आया है, मैंने पोस्ट भी डाली थी, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि पंडित जी की कृपा से मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला है और बहुत अच्छी नामना भी मिली है। आप जो जैसे बड़े बड़े विद्वान भी मुझे जानते हैं तो मेरा सौभाग्य है। आप तो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड है, हमारे घर के सदस्य है, मेरे तो घर के सदस्य हो आप लोग, आप मेरे बड़े भाई हो, गुरु हो। ठीक है, हाँ जी सुकेश जी, बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, धन्यवाद।